रही हूँ आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ योगिनी शिखा गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गर्दन दर्द यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए कुछ विशेष योग एक्सरसाइजेस, जिन्हें करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो गर्दन दर्द है वो हमारे जो सर्वाइकल की बोन होती है, 7 बोन, वहाँ पर यह रोग उत्पन्न होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर जो वर्टिब्राज होती है उनके बीच में एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम साइब्रो स्पाइनल फ्लूड कहते हैं। तो अगर ये फ्लूड कम निकलता है या फिर इसका बनना नष्ट हो जाता है तो उसकी वजह से हमें इस तरह की यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित रोग होने लग जाते हैं। और सर्वाइकल में क्या होता है, जब हमें सर्वाइकल की समस्या होने लग जाती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे हाथों की मांसपेशियां हैं और कंधों की मांसपेशियां हैं वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि हम उनकी क्या होता है कि जो हमारे हाथ हैं हम अपने हाथों को ढंग से ऊपर भी नहीं उठा पाते। और जो हमारा कंधा है, हमारा थोरेसिक वाला पार्ट है, वो इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाता है कि उसको हिलाने डुलाने में बहुत तकलीफ़ होती है। और यह समस्या सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो चलिए, मैं आज आपको कुछ बेसिक योग एक्सरसाइज बता रही हूँ जिन्हें करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है। आप इसे सोफे पर बैठकर भी कर सकते हैं, आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, आप ज़मीन पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो आलती पालती मारकर बैठ जाना है यानी कि सुखासन में बैठ जाना है। अगर आप पैरों को इस तरीके से नीचे करके भी कंफर्टेबल है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से कंफर्टेबल हूँ तो इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमको शुरुआत करनी है अपनी गर्दन से। तो अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। तो सबसे पहले इनहेल, एक्सहेल, लुक लेफ्ट साइड, इनहेल, एक्सहेल, लुक राइट साइड, 2, 3, 4, 5। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी गर्दन को बिल्कुल झटका नहीं देना है, बिल्कुल आराम आराम से करना है। ये आपको 10 टाइम कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, साइड बेंड करेंगे अपनी गर्दन को। इनहेल यानी कि श्वास लीजिए, एक्सहेल श्वास छोड़िए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये भी आपको 10 टाइम कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, अप एंड डाउन करेंगे। तो इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक्सहेल डाउन में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन में दर्द है तो कोई भी इस तरह का आपको गर्दन नीचे झुकाने वाला व्यायाम नहीं करना है, नहीं तो इससे आपकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप नीचे नहीं देखेंगे इस तरीके से। आपको क्या करना है, इनहेल अप, एक्सहेल लुक फ्रंट, आप सामने देखेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये भी आपको 10 टाइम कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, आपके जो दोनों हाथ हैं उनको मुट्ठी बनाएंगे, सामने लाएंगे इस तरीके से, क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, बिल्कुल आराम आराम से। इनहेल एंड एक्सहेल इस तरीके से, इसी को आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है 10 टाइम, 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम
वापस आ जाएंगे। अब क्या करना है आपको, शोल्डर रोटेशन करना है। इसके लिए क्या करना है आपको, अपने हाथों को अपने शोल्डर के ऊपर रखना है, इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसी को आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है इस तरीके से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये भी आपको 10 टाइम कर लेना है। इसके बाद वापस आ जाएंगे। अब क्या करना है, यहीं से अपने दोनों हाथ को फिर से अपने कंधों के ऊपर रखना है एंड फ्रंट एंड बैक करना है इस तरीके से। 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। ये भी आपको 10 टाइम कर लेना है। इसके बाद डाउन एंड अप, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। ये भी आपको 10 टाइम कर लेना है। इसके बाद वापस आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है उससे आपका जो टेम्पोरल एरिया है उसको प्रेस करना है इस तरीके से। 1, 2, 3, 4। इसमें आपको एक विशेष बात का ध्यान क्या रखना है कि जब आप अपने सर को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो सर से भी आपको हाथ की साइड प्रेस करना है इस तरीके से, अपोजिट साइड प्रेस करना है, सर से हाथ को और हाथ से सर को, तभी आपको इसका विशेष फायदा मिलेगा। इसी तरीके से अब क्या करना है, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना है। इसके बाद सेम प्रेस करना है अपोजिट साइड दोनों से, पीछे से भी। ये भी आपको 10-10 टाइम कर लेना है इस तरीके से। आपको करना है 10-10 टाइम। ये बहुत ही अच्छा एक यौगिक व्यायाम है जिसे करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा एक व्यायाम है। इसके बाद क्या करना है आपको, आपका जो राइट हैंड है उसको ऊपर उठाना है और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की एल्बो को नीचे की ओर प्रेस करना है इस तरीके से। फिर करेंगे चेंज इस तरीके से, चेंज करते रहना है। आपसे जितना हो रहा है आप उतना ही करेंगे। आप अपने शरीर के साथ किसी भी तरह का कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये भी आपको 10 टाइम कर लेना है। ये तो रही कुछ विशेष छोटी छोटी यौगिक एक्सरसाइजेस गर्दन दर्द के लिए, जिन्हें करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही आगे मैं आपके लिए कुछ एडवांस योग एक्सरसाइज लेके आऊँगी गर्दन दर्द के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हरिओम।